छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में आज सुबह एक पाइपलाइन फटने से 9 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। एमपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अब कमान भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले ली है। इसी क्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर राज्य के दौरे पर है। हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सर छोटू राम की प्रतिमा हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में डीएनडी फ्लाईओवर के पास सोमवार रात दो कार सवार 5 से 6 बदमाशों ने कैश वैन लूटने की कोशिश की। लूट की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने गनमैन को गोली मार दी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर जवाब दाखिल करने को लेकर आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से और समय की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा, निदेशक शिवप्रिया और एक अन्य निदेशक अजय कुमार को जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को कोर्ट से ही तत्काल गिरफ्तार करा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी के साथ ही वे सबसे ज्यादा पावरफुल नौकरशाह बन गए हैं। डोभाल को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का हेड बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित पूर्वी दिल्ली नगर पालिका निगम ने 43 सफाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त और निलंबित कर दिया है। जीटीबी अस्पताल में दिल्ली के मरीजों के लिए सुविधाएं आरक्षित करने के अपने फैसले को सोमवार को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जायज बताया। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मरीजों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे की वृद्धि के साथ 82.26 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का दाम 29 पैसे बढ़कर 74.11 रुपए प्रति लीटर हो गया।